सकते हो, रेड ब्लैक, ब्लैक व्हाइट रेड, एंड हाई होता है ब्लैक वाला, मीडियम वाला होता है व्हाइट, और लो होता है हमारा रेड। ब्लू वाला जो इसमें वायर है वो दोस्तों कॉमन का है, जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ये होता है आपका ब्लैक वाला, आपका होता है हाई स्पीड। तो ये है दोस्तों हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है, मोटर मैंने मंगाई थी विंटर की। अब ये विंटर प्लस है या विंटर आई है या विंटर 80XL है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने विंटर, वैसे तो विंटर प्लस की मोटर मंगाई थी लेकिन स्टॉक में मेरे को यही मिली है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हालांकि दो मॉडल्स में विंटर प्लस और विंटर आई की सेम हो जाती है, बाकी विंटर 80XL की अलग होती है मोटर। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स आपने देख ही लिया है, सिम्फनी जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। अब इसको करते हैं हम अनबॉक्स। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ से मैं ऊपर की इसकी ये टेप काट देता हूँ। ये हमने कर लिया यहाँ से अनबॉक्स इसको। और अभी देख लेते हैं हमारे कुछ के अंदर विंटर आई की मोटर है या विंटर प्लस की या विंटर 80XL की। वैसे तो मैंने विंटर प्लस की मोटर मंगाई थी, अब देखते हैं कौन सी निकलती है। सबसे पहले इसको ही निकाल लेते हैं। देखिए बॉक्स इस तरीके से आती है मोटर, जैसा कि मैं अपनी हर अनबॉक्सिंग में दिखाता हूँ मोटर की। मैं इसके नट्स भी है, बॉक्स को रखते हैं साइड में, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये दोस्तों मोटर है, और इसको पन्नी से डाउन कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी मोटर मिली है हमारे को। ये इसका रिंग है, ये इसके ऊपर आएगा इस तरीके से, और ये नट्स जो है यहाँ का है, ये इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसमें अगर आपको डिस्प्ले में आपको नजर आ रहा है तो ये देखिए, ये दो मॉडल में लगती है, एक सूमो 75XL में और विंटर प्लस में। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए दो मोटर हैं, दो मॉडल में लगती है, एक सूमो 75XL में और एक लगती है विंटर प्लस में। बाकी सीरियल नंबर की मैं बात कर लूँ तो 15264244000 का नंबर है, और 230 वोल्ट की मोटर है। सिंगल फेस हॉर्स पावर की मैं बात करूँ तो 1/7 है। आउटपुट पावर वाट्स हैं इसके 107, और आरपीएम की बात करूं तो 1350 आरपीएम है। कैपेसिटर की बात करूं तो 4 MFD का है, एम्पेयर एक है, सिंगल एम्प 1 एम्पेयर की मोटर होती है, और सिम्फनी लिमिटेड अहमदाबाद। बाकी एक डायग्राम इसमें बना हुआ है, ये दिखा देता हूँ आपको पास से, ये देखिए। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है ना, डायग्राम का बड़ा चक्कर होता है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लेकिन इसमें सिम्फनी की हर मोटर में डायग्राम्स बने होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रहा, तो डायग्राम में आप देख सकते हो, रेड ब्लैक, ब्लैक व्हाइट रेड, एंड हाई होता है ब्लैक वाला, मीडियम वाला होता है व्हाइट, और लो होता है हमारा रेड। ब्लू वाला जो इसमें वायर है वो दोस्तों कॉमन का है, जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ये होता है आपका ब्लैक वाला, आपका होता है हाई स्पीड के लिए, व्हाइट वाला होता है आपका मीडियम स्पीड के लिए, और ये जो रेड वाला आप देख रहे हो ये होता है लो स्पीड के लिए। बाकी जो यहाँ पे है ये कॉमन है, यानी कि न्यूट्रल, और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे अलग से फोल्ड करके रखते हैं वायर को। और यहाँ पे एक एन टाइप का, ये आप देख सकते हो, थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये एन बना है यानी कि न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल में काम आता है। दूसरी चीज दोस्तों मोटर की मैं बात करूँ ना, अब जो इसमें आरपीएम वगैरह जो दिखा रखा है वो तो एकदम, मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ चीज, ये देखिए आरपीएम वगैरह जो इसमें दिखा रखा है वो इसमें काफी हद तक जो है, काफी मतलब आरपीएम, जैसे एक होता है कि 1400 आरपीएम है, लेकिन उतने पर रनिंग नहीं करती मोटर, वो कम में ही रनिंग करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो मोटर ली है वो, जैसे कि अभी इसमें मैं साइड में आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे जो मेंशन हो रखा है यहाँ पे, ये रहा, ये जो आरपीएम की मैं बात कर रहा था, 1350 A, एक होता है 1400 B। ए और बी में क्या फर्क होता है, जैसे दोस्तों
ये बी, जहाँ तक मैं देखा जो बी वाले इसमें 1400 B लिखा होता है वो बी में आ जाता है ब्लोअर, तो ब्लोअर के लिए होती है। ए में नॉर्मली हमारा फैन ब्लेड चलता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसकी शाफ्ट की मैं बात करूँ तो ये है हमारी, ये टाइटेनियम सॉरी टाइटेनियम मेटल की शाफ्ट है। हालांकि काफ़ी यूज़ होने का था, आपने देखा होगा इसमें जंग लग जाती है, अभी ये बिल्कुल स्मूथ है। दूसरी चीज़ कैपेसिटर की मैं बात करूँ तो इसमें जैसे डाइट की हमारी जो मोटर है उसमें चार, पहले 4 MFD का कैपेसिटर आता था और इसमें दोस्तों 4 का ही है, और अब डाइट की मोटर में 5 का आता है। लेकिन अभी हम अगली एक मैंने मोटर मंगाई है डाइट की, तो उसको भी हम करेंगे अनबॉक्स और जानेंगे उसके फीचर टॉप मॉडल की। और ये वाली जो मोटर मंगाई है मैंने डाइट 50i की मंगाई है 2024 की, जो मैं अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो। फिलहाल हम 2024 में जो विंटर प्लस और सुमो 75XL है उसकी हम कर रहे हैं मोटर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, जानते हैं इसके फीचर। तो एक चीज और है इस मोटर में, वेट की मैं बात करूँ तो आराम से 2-2.5 किलो का वेट इसमें मेरे को लग रहा है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम ये एक आती है कि मेरे को जो कमेंट आते हैं वो एक चीज और होती है कमेंट में कि ये मोटर जो एलुमिनियम है या कॉपर में। सबसे पहले मैं बता दूं सिम्फनी की पहले मोटर, कुछ कुछ मॉडल जैसे स्ट्रॉम, हमारा जो स्ट्रॉम मॉडल आता है उसके अंदर आपको मिल जाती है मोटर जिसके अंदर आपको मिल जाता है एलुमिनियम कॉपर वाइंडिंग। अभी वाली जो जितनी मोटर आ रही है सबके अंदर एलुमिनियम बाइंडिंग होता है क्योंकि कॉपर जो है ना बहुत ज्यादा हीट होता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। और यहाँ पे एक स्टिकर आपको लगी हुई मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओके टेस्टेड, ये कंपनी से जब आती है टेस्ट होके आती है। अच्छा दूसरी चीज, ये तो मैंने बात कर ली इसकी एलुमिनियम के बारे में और वाइंडिंग के बारे में, ठीक है। डायग्राम भी आपको दिखा दिया, वायरिंग डायग्राम यहाँ भी मेंशन है और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, कैपेसिटर भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं जैसे अब ये वाली मोटर है ये 1350 RPM पे जैसे विंटर प्लस में लग जाएगी और सुमो 75XL में भी यही लगेगी। अगर हम एज ए टेक्नीशियन में बताऊं, अगर जुगाड़ हम करते हैं तो कई बार होता है कि करना पड़ जाता है कुछ, जैसे विंटर आई मॉडल आता था पहले विंटर 80XL, 80XL में नहीं लगेगी क्योंकि उसमें जो फैन ब्लेड है ना मेन है उसकी शाफ्ट का चक्कर, ये 12 mm की शाफ्ट है। आप देखोगे कभी डाइट के कूलर में या पुराना सिस्टा कूलर या सुमो मॉडल, उनमें सुमो गो आता था तो सुमो या पुराना वाला उसमें 12.7 mm की शाफ्ट होती थी, दिखने में ऐसी होती थी मोटी। दूसरी चीज इसमें आप देखोगे ना डी कट बना होता है, ये डी यहां से गोल नहीं है, ये एक एक ये देख रहे हो ना आप लाइन, ये डी कट बना हुआ है। ये देखो मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसमें डी कट आपको नजर आ रहा होगा और उसमें लग जाएगी। और सुमो गो में भी हम इसको लगा सकते हैं बुश के अंदर, एक स्प्रिंग से लगा के हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ ये चल जाएगा। और विंटर में तो आई गया विंटर प्लस में, पर हम इसे विंटर आई में भी लगा सकते हैं जिसमें फैन ब्लेड होता है और सुमो 75 की है ही है। और हम इसको किस मॉडल में लगा सकते हैं मैं आपको बता दूँ, इसमें अगर आपको स्पीड का थोड़ा कम लगेगा ये आप जो मूवी कूल है, मूवी कूल 125 में भी आप ये लगा सकते हो, सॉरी मूवी कूल 65 उसके अंदर आप ये लगा सकते हो जो 65 लीटर का है, लेकिन थोड़ा स्पीड का फर्क आएगा। उसकी जो मोटर होती है ना वो तो काफी हैवी होती है और उसकी जो स्पीड होती है वो 1400 से लेकर 1600 RPM में दो वेरिएंट में मोटर आती है। अब ये तो होगी इसकी स्पीड सेक्शन और इसकी अंदर की वाइंडिंग किस टाइप की है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की, जो इसकी जो कंपनी से जो प्राइस आती है वो 2450 रुपये आती है 2024 की विंटर प्लस की मोटर की, तो विंटर प्लस की यही प्राइस है। और विंटर प्लस है तो इसका मतलब सुमो 75XL की भी इतनी प्राइस होगी, तो ये 2450 की आती है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। बाकी कैसे मिलेगी तो डिस्प्ले पे नंबर आपको शो हो गया होगा सिम्फनी का, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कराएं और इस मोटर को अपने घर पे पाएं जल्दी से जल्दी। टेक्नीशियन होगा वो लेके आएगा, 470 रुपये टेक्नीशियन का सर्विस चार्ज है। अगर आप सर्विस सेंटर से ले लेते हो तो सिर्फ आपको मोटर के पैसे देने होते हैं, वो आपको टेस्ट करा देंगे। वारंटी पीरियड्स की मैं बात करूँ तो 6 मंथ की वारंटी आपको इसके अंदर मिल जाती है और टर्म्स और कंडीशन कंपनी के कुछ अपने जो पेपर होते हैं उसके हिसाब से होता है। जैसे कई बार होता है कि आपने ये वायर यहाँ से काट के लगाई है या कैपेसिटर चेंज करें तो दोस्तों वारंटी नहीं मिलेगी। तो मोटर बहुत बढ़िया है, कूलर बहुत बढ़िया है, मॉडल भी आपने बहुत से लोगों ने यूज़ किया होगा इस मॉडल को विंटर को, तो बहुत बढ़िया है। अगली मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, अगली वीडियो आपको मिलने वाली है जो मैं अब अगली वीडियो बनाऊंगा वो मिलेगी दोस्तों आपको डाइट कूलर की। डाइट की जो जो टॉप मॉडल का जो अभी चल रहा है, जो है लेटेस्ट जिसे आप कह सकते हो, जो आ रहा है, एक आता था डाइट ब्लैक, एक आता था डाइट व्हाइट, अभी जो डाइट व्हाइट आ रहा है ना लेटेस्ट वाला उसका जो बैक पैनल है उसको भी काफी चेंज कर दिया गया है। बाकी जिस किसी ने नहीं देखा हो तो पुराने वाले की मैंने ओपन कैसे करना है उसकी वीडियो बनाई है
और मीडियम मॉडल जो यानी कि मिड में जो आया था मॉडल, यानी कि अभी मैं बात करूँ 2024 चल रहा है, 2022 में जाता था उसके मैंने पैड चेंज करे थे, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे पैड चेंज कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन आई बटन में आप चेक कर लेना, वो मिल जाएगी वीडियो आपको। और जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसके बड़े कमेंट आ रहे थे, 8 mm के संग लंबी शाफ्ट के संग मोटर आएगी और वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे जल्दी अगली वीडियो में। और हाँ एक चीज़ और, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में।